प्रदेश सरकार भले ही मरीजों को नागरिक अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने के दावे करती रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे भी दो कदम आगे रहा। कोई टूटे स्ट्रेचों पर चादर बिछा रहा था तो कोई बेड से लेकर दरवाजे तक को चमकाने में लगा था। अस्पताल परिसर शुरू होते ही वार्ड तक डस्टबिन रखे तो मरीजों के साथ स्टाफ नर्स से लेकर डॉक्टर तक पूरी तहजीब से बात कर रहे थे। यहाँ तक कि पूरा स्टाफ वर्दी में था तो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी को लेकर अलर्ट था। ये खास नजारा था कुरुक्षेत्र में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल का, जहां अस्पताल में प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से कायाकल्प टीम निरीक्षण करने पहुंची थी। डॉक्टर मोहित के निर्देशन में पंचकुला से टीम अस्पताल परिसर पहुंची और 3 घंटे तक कोना कोना खंगाला, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि टीम अधिकतर समय निरीक्षण के दौरान संतुष्ट नजर आई। मरीज ही नहीं, तीमारदार भी यही कहते नजर आए कि काश ऐसी व्यवस्था हर रोज हो तो मरीजों का दर्द जल्द ठीक हो सकता है। टीम ने चिकित्सकों की ओपीडी देखी तो वहीं रिकॉर्ड भी खंगाला। मरीजों के साथ व्यवहार को भी परखा तो वहीं नर्सिंग रूम में दवाओं से लेकर मरीजों के चार्ट को भी देखा। विभिन्न वार्डों से लेकर शौचालयों तक की सफाई व्यवस्था भी देखी। टीम हर मंजिल पर पहुंची तो वहीं आपात विभाग से लेकर बाल व स्त्री रोग विभाग में भी हर वार्ड में जायजा लिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर गुरप्रीत, नर्सिंग सिस्टर गुरमीत ने टीम को अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भले ही टीम आने की सूचना पहले से ही थी तो तैयारी भी पिछले 3 दिन से की जा रही थी। आपात विभाग के बाहर जहां टूटे स्ट्रेचरों को कोई संभालने वाला नहीं था, वहीं टीम आने से पहले इन पर साफ चादरें भी बिछी दिखाई दी। यहां तक कि व्हीलचेयर भी रख दी गई और हर कोने में मंजिल पर साइन तक लगा दिए गए। दिन रात खुला रहने वाला आपात विभाग का वार्डों को जोड़ने वाला गेट भी ताला लगाकर बंद कर दिया गया, तो वहीं किसी कर्मी के हाथ पहुंचा रहा तो कोई दूसरी व्यवस्था बनाने में जुटा रहा ताकि टीम के समक्ष कोई खामी ना दिखाई दे। हर किसी की सांसें फूली रही, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दिया। फर्श से लेकर दरवाजे तक चकाचक कर दिए गए। यहाँ तक कि जो खिड़कियां अब तक सुनी रही उन पर पर्दे तक टंगे दिखाई दिए। डॉक्टर मोहित ने निरीक्षण के बाद बातचीत में कहा कि अधिकतर व्यवस्था बेहतर मिली है। स्टाफ की कमी के बावजूद मरीजों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी सुविधाएं भी मरीजों को दी जा रही हैं। जो भी कुछ कमियां हैं उनसे अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया गया है तो रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये निरीक्षण अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं मिलने से लेकर हर व्यवस्था का आकलन करने के लिए किया गया है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर जगमिंदन मलिक का कहना था कि अस्पतालों में सुविधा व्यवस्था का आकलन करने के लिए ये जांच होती है। अभी राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जांच की गई है। अगले कुछ दिनों में केंद्रीय टीम भी जांच करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल का स्तर तय होता है। आज हम जो है कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल में कायाकल्प जो हमारा प्रोग्राम है, कायाकल्प की असेसमेंट के लिए आए। कायाकल्प जो हमारा प्रोग्राम है, ये हॉस्पिटल के रखरखाव, साफ सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हमारी होती हैं, एक अच्छा हाइजेनिक एनवायरनमेंट हम पेशेंट्स को दें, वो बीमारी से यहाँ पर ठीक हों। हॉस्पिटल से किसी को कोई बीमारी नहीं जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है इको फ्रेंडली हम हॉस्पिटल्स को बनाने की तरफ जो है जोर दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के आज हम हॉस्पिटल में आए हैं, डॉक्टर गुरदीप हॉस्पिटल गुरप्रीत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं डॉक्टर मोहित पंचकूला से मेडिकल एडिशनल सीनियर मेडिकल ऑफिसर, भारती मैडम है हमारे पंचकूला से, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स से। तो आज असेसमेंट के लिए हम आए, डॉक्टर गुरप्रीत से हम मिले, जो यहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्टाफ से हमने मुलाकात की, हमारी उनसे चर्चाएं हुई, बहुत विषयों पर चर्चाएं हुई। और ये चर्चाओं के बाद और ये असेसमेंट के बाद हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कम कंस्ट्रेंट्स में, बहुत से स्टाफ की कमी होने के उपरांत भी हमारा सारा स्टाफ इतनी मेहनत से एक अच्छी सर्विसेज जो है वो जन जन तक पहुँचा रहा है। इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ साथ पेशेंट की मूलभूत सुविधाएं और छोटी छोटी बातें, जैसे कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, हर स्टेप पर जहां पर पेशेंट को सुविधा दी जा रही है वो स्टेप पर भी सुविधा मिले, दवाइयों का रख रखाव भी बड़े अच्छे तरीके से हो, तो ये सब कुछ यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इसके लिए हॉस्पिटल के हमारा जो सारा स्टाफ है बहुत बधाई का पात्र है कि इतने मुश्किलों से और इतने हैवी लोड के साथ वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर साहब लगे हुए हैं एफर्ट्स के लिए, कि जो पोस्टें यहाँ पर सिक्योरिटी की, सैनिटेशन स्टाफ, बिना मैन पावर के काम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब
ने इसको इन फाइल लिया हुआ है कि जो भी वेकेंट पोस्ट हैं ये भी भरी जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्टें भी जल्दी भरी जाएंगी, तो आपकी दिक्कतें जो आप सामना कर रहे हैं डे टू डे में, वो दिक्कतों का सामना आप कम फेस करेंगे और एक और अच्छी मूलभूत सुविधाएँ मरीजों को मिल सकती।